तो दोस्तों आज हम बात करने लगे किस तरीके से मैं अपनी वीडियो के लिए थंबनेल बनाता हूँ। इस वीडियो में तो बनी है साथ वीडियो में तो नमस्कार दोस्तों, मैं नाम आकाश, आप देख रहे कॉस्मिक यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुके फोन की होम स्क्रीन पर, तो सिंपली ओपन कर लेना है अपना PSCC। तो PSCC अपन ने यहाँ पर ओपन कर लिया, तो आप करना क्या, अपने यहाँ पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है 1920x1080 का। तो यहाँ पर 1920x1080 का ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद सिंपली करना क्या है, यहाँ पर अपने को लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है और ऐड फोटो लेयर कर देनी है। तो यहाँ पर आपको अपने जो पबजी के गेम प्ले का स्क्रीनशॉट लेना है। मैं यहाँ पर अपने फिल्मोरा का स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ क्योंकि मैं बैकग्राउंड में हमेशा फिल्मोरा का स्क्रीनशॉट ही रखता हूँ और सामने पबजी गेम प्ले का स्क्रीनशॉट रखता हूँ, ठीक है। तो लेने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपने पूरे कैनवास पर फिल कर देना है कुछ इस तरीके से। देन इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर मेरे को एक और जो है डुप्लीकेट लेयर ऐड कर देता हूँ क्योंकि अपनी मेन लेयर बिल्कुल साफ सुथरी रहनी चाहिए। डुप्लीकेट लेयर ऐड करने के बाद सिंपली FX में जाना है, बेसिक में जाना है और यहाँ पर आपको डायरेक्शन ब्लर मार देना है इसमें। तो डायरेक्शन ब्लर जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हो, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरी सेटिंग्स कॉपी करना चाहते हो तो सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इतना हो जाने के बाद आप सिंपली करना क्या है, आपको अब दोबारा से FX वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर स्टेलाइज पर जाना है और ग्रेडियंट मैप पर जाना है। तो ग्रेडियंट मैप में जाने के बाद आपको जो कलर टू जो है आपकी जो थंबनेल का जो मतलब थीम है ना, जैसे मेरी थंबनेल थीम येलो है तो येलो का डार्क कलर लेना है और यहाँ पर मेरा कलर 3 जो है वो येलो का लाइट कलर होगा। तो एक ग्रेडियंट जो है बन जाएगा, काफ़ी ज़्यादा शानदार लगेगा। और बाकी जो फर्स्ट कलर ब्लैक है तो ब्लैक ही रहने देना और लास्ट कलर जो वाइट है वो वाइट ही रहने देना एज इट इज़। और गामा आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो जितना भी आपको रखना है। देन इसके बाद सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पर एक जो है एम्प्टी लेयर लेनी है। एम्प्टी लेयर लेने के बाद आपको यहाँ पर अपने जो ब्रश सेलेक्ट करके रखना है, ब्रश की सेटिंग्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से रखनी है। देन सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आपको एक पेंटिंग बनानी है कुछ इस तरीके से, कुछ भी मतलब ड्रॉ करना है बस इस पर पूरा फुल फिल मत कर देना इसको ताकि ये गंदा ना लगे, मतलब पूरा फिल हो जाएगा तो भाई अच्छा नहीं लगेगा। तो इतना रखना है कि थोड़ा बहुत दिखता भी है हल्का बहुत, पर ऐसा लगे जैसे किसी ने चींटी को क्या बोलते हैं पेंट में भिगो के और चला दिया हो, ठीक है। तो FX वाला ऑप्शन पे जाना है, देन इसके बाद यहाँ पर बेसिक्स पे जाना है और इसमें गॉशियन ब्लर मार देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद गॉशियन ब्लर मार देना है। देन इसके बाद करना क्या है, आपको यहाँ पर अपने जो ओपेसिटी आप इसकी कम ज़्यादा कर सकते हो, नहीं करनी मेरे को, मैं 100 ही रखूँगा, बट मैं इसकी जो ब्लेंडिंग मोड है उसको मैं ओवरले कर दूँगा, ठीक है। तो ओवरले करने के बाद काफ़ी ज़्यादा शानदार लगेगी दिखने में। देन इसके बाद सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पर ऐड फोटो लेयर, अब आपको अपने जो है एक और बार दोबारा से स्क्रीनशॉट अपने को ऐड कर लेना है अपने क्या बोलते हैं गेम प्ले का। तो यहाँ पर मैंने गेम प्ले का स्क्रीनशॉट ऐड कर लिया, तो इसको थोड़ा सा मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा ताकि ये छोटा हो जाए थोड़ा सा, और इसका थोड़ा सा एस्पेक्ट रेशियो भी थोड़ा मैं स्क्वायर कर लेता हूँ पूरा, ठीक है, मतलब थोड़ा मतलब सही लगे, ठीक है। तो इसके बाद सिंपल इतना हो जाने के बाद करना क्या है, यहाँ पर आपको इसके पिक्सल सेलेक्ट करने हैं। पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, एक एम्प्टी लेयर लेनी है, ऐड एम्प्टी लेयर, ठीक है। देन इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जो एंड वाले ऑप्शन जाना है और फिल एंड स्ट्रोक कर देना है। तो टाइप स्ट्रोक कर देना है, स्ट्रोक का कलर आपको येलो ही रखना है क्योंकि मेरी थंबनेल का कलर यहाँ पर येलो है थीम, तो मैं येलो रखूँगा। आपकी जो भी थंबनेल का थीम हो वो रख लेना। और यहाँ पर आपको जो है इसका विड्थ साइज अराउंड 16 रखना है, तो यहाँ पर मैं 16 ही रखूँगा। देन इसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है राइट पर। देन इसके बाद करना क्या है, आपको यहाँ पर इसके पिक्सल सेलेक्ट करना है, जो अपने स्ट्रोक करा है ना उसके पिक्सल सेलेक्ट करना है एक बार, और यहाँ पर डिससेलेक्ट कर देना है एक बार पिक्सल्स को, ठीक है। इतना हो जाने के बाद FX वाले ऑप्शन पे जाना है, स्टेलाइज में जाना है और यहाँ पर आपको जो है इसमें ग्लास वाले ऑप्शन पे जाके ग्लास वाले इफेक्ट ऐड कर देना है। तो ग्लास वाले इफेक्ट की आप जो भी सेटिंग्स अपने हिसाब से रखना चाहो वो रख सकते हो, या फिर जो मेरी मैं रख रहा हूँ आप एज इट इज़ इसको भी देख के ऐसे की ऐसी भी सेटिंग्स रख सकते हो, तो ये भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सही लगेंगी, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, मर्ज डाउन कर देना है लेयर को, तो ये दोनों जो है मर्ज हो जाएंगी। देन इसके बाद एंड वाला ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इसको, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा करके, मतलब थोड़ा आड़ा तिरछा जो भी आप करना चाहते हो वो करके अच्छा लगना चाहिए बस थंबनेल में कुछ इस तरीके से सेट कर देना, नहीं तो आप जैसे मैं कर रहा हूँ एज इट इज़ भी सेट कर सकते हो, ठीक है। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर ये सेट कर लेते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। आप अपना टाइम लेके सेट करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब ऐसा नहीं कि भाई जल्दी जल्दी में कर दो, ऐसा मत करना, टाइम लेके बड़े तरीके से अच्छा लगना चाहिए दिखने में। देन इसके बाद सिंपली अब अपने को करना क्या है, अपने को अपना टेक्स्ट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट बनाने के लिए अपन पिक्सल लैब में जाएंगे, तो यहाँ पर अपन पिक्सल लैब ओपन कर लेते हैं एक बार फटाफट से।
तो पिक्सल लैब ओपन हो जाने के बाद सिंपली आपको कुछ इस तरीके से यूजर इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर ये न्यू टेक्स्ट पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना टेक्स्ट लिख लेना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जैसे हाउ आई मेक माई थंबनेल, मेरा पूरा टेक्स्ट होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हाउ आई मेक, तो हाउ की स्पेलिंग गलत हो गई, इसको सही कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली करना है, यहाँ पर आपको फॉन्ट जो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, फॉन्ट मैं यहाँ पर इवोग्रा फॉन्ट रखूँगा। आप पबजी का फॉन्ट भी डाउनलोड करके सेम टू सेम वो फॉन्ट भी रख सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा शानदार लगेगा। इवोग्रा भी ठीक लगता है, तो मैं यहाँ पर इवोग्रा रखूँगा, ठीक है। तो इवोग्रा फॉन्ट रख लेते हैं अपना सिंपली, बढ़िया। तो इतना हो जाने के बाद यही सही लग रहा है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आपको अपना जो है कलर भी यहीं पर दे देना है टेक्स्ट का, क्योंकि अगर अपन PSC सिम कलर देंगे ना तो दिक्कत देता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है कलर पर जाकर। तो यहाँ पर अपन ग्रेडियंट कलर देंगे ना, तो ग्रेडियंट में फर्स्ट जो कलर होगा अपना जो थंबनेल का लाइट कलर होना चाहिए, जो कि येल्लो है, तो येल्लो का लाइट कलर होगा मेरा। और अपना जो सेकंड कलर होगा, सेकंड कलर अपनी थंबनेल का जो डार्क कलर था वही होना चाहिए, तो सिंपली डार्क कलर कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर मेरी थंबनेल का येलो का डार्क कलर था, तो येलो का डार्क कलर ले लेता हूँ मैं एक बार। तो क्या ग्रेडियंट बन जाएगा ना, थोड़ा सा क्या शानदार लगेगा। तो एक ही कलर का रखना है पूरा का पूरा, यूनिक अपन सतरंगी थंबनेल बना दी तो बहुत ज़्यादा घटिया लगेगी। देन इसके बाद राइट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर इसमें अपने को थोड़े से स्ट्रोक भी ऐड करने हैं, तो अपन ये पिक्सल लैब से ही ऐड कर देंगे स्ट्रोक भी, थोड़े से बस हल्के से नाम मात्र के स्ट्रोक होंगे वो। तो यहाँ पर स्ट्रोक बस आपको इनेबल करना है, वो अपने आप कर देगा। देन इसके बाद इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना है PNG, ठीक है। PNG करने के बाद, ट्रांसपेरेंट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको सेव कर लेना है इसको। तो यहाँ पर अल्ट्रा पर सेव करेंगे अपन इसको, देन अल्ट्रा पर सेव कर देते हैं। देन इसके बाद अगेन मैं डबल क्लिक करूँगा इसी पर ही, अपने टेक्स्ट पर डबल क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैं हाउ आई मेक मैंने लिखा था, तो यहाँ पर लिख देता हूँ माई थंबनेल, पूरा टेक्स्ट हो जाएगा मेरे यहाँ पर। इसके बाद पिक्सल लैब का काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, कोई काम जो है वो नहीं रहेगा पिक्सल लैब का। देन इसको भी सेव कर लेना है अल्ट्रा पर ही करके, तो यहाँ पर सेव कर लेते हैं। देन अभी अपन PSCC ओपन कर लेते हैं अपना। तो यहाँ पर PSCC अपन ने ओपन कर लिया, तो अब अपन जो है अपना फोटो लेयर में जाके, फोटो लाइब्रेरी में जाके अपन अपनी जो है टेक्स्ट जो है वो इम्पोर्ट कर लेंगे दोनों के दोनों। तो अभी इसको ट्रांसफॉर्म अपन नहीं करेंगे, सिंपली बस 1 GB रख देंगे। अब अपन अपना दूसरा टेक्स्ट भी इम्पोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कलर देता ना टेक्स्ट पर तो थोड़ी दिक्कत होती है, वो कॉम्प्लेक्सिटी से अच्छा नहीं लगता मतलब मुझे, तो मैं वहीं पर कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, अब जो है अपने टेक्स्ट को जो है आपको ट्रांसफॉर्म करना है। तो एंड वाला ऑप्शन जाएंगे, ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर जाएंगे और इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि यार टेक्स्ट का साइज़ जो है ना छोटा होता है, तो ट्रांसफॉर्म अपन करते हैं ना तो ये ऊपर नीचे छोटा बड़ा अपने आप होता रहता है, तो बस इसी में थोड़ा टाइम लेगा, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। बाकी जैसे मैं कर रहा हूँ ना, जिस तरीके से मतलब सेटिंग्स में पिक्सल नज वगैरह में जाके सेट जैसे कर रहा हूँ, आप वैसे भी जा कर सकते हो, थोड़ा आसान पड़ेगा। और मैंने एक और थंबनेल पर वीडियो बनाई हुई है, वो ज़रूर से देख लेना, उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है कि पिक्सल लैब में क्या क्या है क्या नहीं है, तो वो वीडियो ज़रूर से देखना, एंड स्क्रीन में आएगी या फिर आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी वीडियो, और आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी वीडियो आई बटन में। तो यहाँ पर दोस्तों अपना टेक्स्ट जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट हो चुका है जहाँ पर अपने को रखना था। देन इसके बाद इसकी मर्ज डाउन लेयर कर देंगे, तो दोनों लेयर मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। तो इतनी यही अपने को चाहिए। इसके बाद सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आपको जो है इन दोनों के जो मर्ज डाउन हो चुके लेयर, तो इनके पिक्सल सेलेक्ट कर लेना। पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद एक एम्प्टी लेयर ऐड करनी है, देन इसके बाद उसको स्ट्रोक कर देना है। तो स्ट्रोक अपने को येलो कलर में ही करना है, बट स्ट्रोक का जो साइज़ है ना, विड्थ, वो अपने को अराउंड 6 ही रखनी है, इससे ज़्यादा मत रखना, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा बेकार लगेगा, 6 या 7, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 रख लेते हैं। देन इसके बाद अपने को करना क्या है, इसको अपने को कर देना है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये दिखने में। तो अभी देखना अपन थोड़ा सा बड़ा करके, ऐसा लगेगा थोड़ा सा मतलब पीछे भी लिखा हुआ है, आगे भी लिखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है ये वाला इफेक्ट मुझे दिखने में, ठीक है। तो इसके बाद करना क्या है, इस वाली लेयर को अपने को अपनी टेक्स्ट वाली लेयर के नीचे रखना है और इसके पिक्सल सेलेक्ट करके डिसलेक्ट कर देना है। देन इसके बाद सिंपली करना क्या है, यहाँ पर अपने को इसको ओवरले कर देना है। ओवरले हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से लगेगा कि जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। देन इसके बाद अपने को अपनी
ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट करनी है, फर्स्ट वाली लेयर, देन अगेन अपने को एक और ऐड लेयर करनी है फोटो लाइब्रेरी में से। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ अपना एक बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो मुझे येलो वाला बॉर्डर पसंद आया, तो मैंने येलो वाला बॉर्डर जो है ऐड कर लिया। तो अब करना क्या है, अब मुझे एक जो है थंडर वाली जो लाइटनिंग होती है ना, थंडर लाइटनिंग, वो ऐड कर लेता हूँ PNG। तो ये सिंपली मैंने ऐड कर ली, तो इसको मैं थोड़ा सा सही करता हूँ ना। देन इसको मैंने जो है राइट साइड, मतलब राइट अपर कॉर्नर पर लगा दिया, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था थंबनेल, तो वहाँ पर लगा दिया, काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है अभी इधर से। अब अपने करना क्या है, अपने को अगेन अपनी एक PNG ऐड करनी है, जो कि स्टार वाली होगी, तो वो भी शानदार लगेगी दिखने में। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर से एक बार चेक कर लेना, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो, ठीक है। तो यहाँ पर वो स्टार वाली PNG ये दी, देन इसको भी ऐड कर लेना है। अब इसको मैं जो है लेफ्ट साइड के डाउन वाले कॉर्नर पर रखूँगा, देन राइट पर क्लिक कर दूंगा मैं ट्रांसफॉर्म हो जाने के बाद, ठीक है। देन इसके बाद सिंपली करना क्या है, अब आपको FX पे जाना है। FX पे जाने के बाद यहाँ पर आपको बेसिक पे जाना है, और यहाँ पर इसमें थोड़ी सी जो क्या बोलते हैं शेडो, ड्रॉप शेडो कर देनी है इसकी, ठीक है। ड्रॉप शेडो अपने यहाँ पर ब्लैक कलर का दिखेगा, बट अपने वो ब्लैक कलर का नहीं रखना, अपने को येलो कलर का रखना है। और ड्रॉप शेडो का जो ब्लर है वो बिल्कुल ज़ीरो कर देना है, क्योंकि अपना जो थीम है ना वो येलो है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर येलो कलर ही रखूँगा। आपका जो थीम हो आप उसी कलर का रखना, ठीक है। और बाकी आप इसकी हाइट विड्थ से भी जो भी छेड़खानी करनी है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। देन इसके बाद आप करना क्या है, यहाँ पर अगेन अपन एक अपनी जो लेयर ऐड करेंगे, वो लेयर होगी अपने जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट वाली लेयर को सेलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट वाली लेयर को सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर एक आपको एम्प्टी लेयर ऐड करनी है। एम्प्टी लेयर ऐड करने के बाद करना क्या है, सिंपली जूम करना है इसको थोड़ा सा, और अपने जो टेक्स्ट है इस पर छोटे छोटे बिंदु से लगाना है आपको, अपने येलो कलर के ही। ब्रश मैंने सेलेक्ट कराई हुआ है, तो ब्रश की सेटिंग्स आप देख सकते हो मैं क्या सेटिंग रख रहा हूँ, ठीक है। और येलो कलर का ही ब्रश होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसको छोटे छोटे बिंदु लगाना है, तो इससे अपना जो है वो शाइन मारेगा, मतलब टेक्स्ट तो काफ़ी ज़्यादा शानदार लगेगा दिखने में। अभी जब पूरा हो जाएगा तो देखना, रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा शानदार लगने वाला है। देन इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, इस वाली लेयर को आपको कर देना है यहाँ पर लीनियर डॉज, ठीक है। तो लीनियर डॉज कर देना है। ओपेसिटी मैं इसकी थोड़ी सी कम रखूँगा, क्योंकि यार ओपेसिटी क्यों ज़्यादा ही थोड़ा सा चमक रहा है, तो इतना ज़्यादा नहीं चमकना चाहिए। तो इतना सब हो जाने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा जूम आउट कर लेना है, और आपको अपनी जो है टेक्स्ट वाली लेयर सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पर इसको आपको FX पर जाना है, ठीक है। FX पर जाने के बाद आपको यहाँ पर डायरेक्शन ब्लर बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, इसमें थोड़ी सी ड्रॉप शेडो कर देनी है। तो ड्रॉप शेडो करने से होगा क्या, यहाँ पर आपको थोड़ा सा टेक्स्ट आपको उभर के आएगा, और ड्रॉप शेडो की जो कलर है वो ब्लैक ही रखना, और उसका थोड़ा सा ब्लर भी कर देना, ठीक है। और अपने हिसाब से भी आप सेटिंग करके देख सकते हो, जो भी आपको सेटिंग सही लगे ड्रॉप शेडो की आप वो रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस आप जितना रखोगे ना, तो इतना थोड़ा सा 3D सा लगेगा, पर टेक्स्ट तो काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है देखने में, ठीक है। इतना सब हो जाने के बाद सिंपली क्लिक कर देना राइट पर। और अब करना क्या है, यहाँ पर आपको जो है अगेन एक एम्प्टी लेयर ऐड करनी है। एम्प्टी लेयर ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर ब्रश का जो कलर वो ब्लैक कर लेना है, और यहाँ पर थोड़ी सी आपको अगेन ड्राइंग सी करनी है अपने टेक्स्ट के ऊपर। तो ड्राइंग कर लेते हैं थोड़ी सी, तो अभी तो सोच रहे हो भाई बहुत ज़्यादा घटिया लग रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसको आपको टेक्स्ट वाले लेयर के नीचे रख लेना है, और यहाँ पर FX पर जाना है, और यहाँ पर गॉशियन ब्लर मार देना है। गॉशियन ब्लर की इंटेंसिटी फुल रखनी है, ठीक है। तो अभी क्या है ना, थोड़ा सा नीचे शेडो सी हो गया ना ब्लैक सा, तो अपना टेक्स्ट जो है वो दिख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये अपने को थोड़ी सी अपने जो करा था ना, वो इसीलिए करवाया, ठीक है। देन इसके लिए बाद आपको सिंपली करना क्या है, इस वाली लेयर को आप जो है ऊपर नीचे करके देख लेना, अपनी जो शाइन वाली लेयर है उसके कैसी लग रही है, मेरे को उधर ही सही लग रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देन इसके बाद सिंपली करना क्या है, अब यहाँ पर आपको जो है अगेन एक क्या बोलते हैं नीचे हाँ फर्स्ट वाली लेयर सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद सिंपली करना क्या है, यहाँ पर अगर आपको अगेन एक जो है फोटो लाइब्रेरी में से फोटो लेयर ऐड करनी है, तो यहाँ पर अगेन एक फ़ोटो अपन ऐड करेंगे, तो वो जो है अपनी PNG होने वाली है, क्या बोलते हैं ओवरले होने वाला, सॉरी ओवरले है ये अपना, क्या बोलते हैं यार क्या बोलते हैं मैं तो भूल और गया,
पार्टिकल्स का ओवरले है, तो सिंपल इसका ब्लेंडिंग मोड ओवरले कर लेना है और इसको अपने को अपने नीचे ले जाना है, टेक्स्ट के नीचे ले जाना है, ठीक है। तो टेक्स्ट के नीचे वाली लेयर पर लेके जाना है इसको अपने को, तो उस वाली लेयर से ऊपर रखना है, क्या बोलते हैं, जो ब्लैक वाली लेयर इससे ऊपर रखना है और टेक्स्ट वाली लेयर से नीचे रखना है, ठीक है। तो इस इन दोनों के बीच में होगा ये वाला ओवरले अपना, क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स वाला। पार्टिकल वाला ओवरले मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है टेक्स्ट के ऊपर, इसलिए मैं हर थंबनेल में इसको यूज़ करता हूँ। देन इतना हो जाने के बाद आपको अगेन फर्स्ट वाली लेयर सेलेक्ट करनी है, देन अगेन अपने को एक जो है अपनी PNG ऐड करनी है, एक फ़ोटो ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैं एक जो नेचर वाली फ़ोटो ऐड कर रहा हूँ, तो इसको मैं जो है लेफ़्ट अपर वाले कॉर्नर पर लगाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा खाली खाली लग रहा था मुझे दिखने में, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे आप नहीं भी लगाओगे तो भी अच्छी लग रही है अपनी काफ़ी ज़्यादा, क्या बोलते हैं, थंबनेल, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और इसको अपन थोड़ा सा अपने बॉर्डर उसके नीचे ले जाते हैं, ठीक। इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आपको अगेन अपनी एक और फ़ोटो ऐड करनी है। फाइनली यहाँ पर जो एक और फ़ोटो ऐड होने वाली है वो होगी अपनी जो है, क्या वो एरो होता है ना, एरो, रेड कलर का जो एरो होता है, तो वो वाली जो है फ़ोटो एक बार अपन ऐड करनी है, बट अपना रेड कलर का नहीं होगा। तो सिंपल इसको इंपोर्ट कर लेना, इस वाली फ़ोटो को, देन इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लेना यहीं की यहीं, और इस एरो को जो है मतलब पॉइंट करना है अपनी जो गेम प्ले वाला जो स्क्रीनशॉट है ना उसकी साइड पॉइंट करना है, कुछ इस तरीके से जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो इतना सब हो जाने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, इसके इस वाले जो एरो को अपने थोड़े नीचे ले जाना है, थंडर वाली जो लाइटनिंग वाली जो है ना लेयर उसके नीचे ले जाना है। इसके बाद इसके पिक्सल सेलेक्ट करने हैं, देन इसके बाद अगेन आपको एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करनी है। एम्प्टी लेयर हो जाने के बाद आपको सिंपली एंड वाले ऑप्शन पर जाकर फिल एंड स्ट्रोक पर जाना है। तो इसका स्ट्रोक जो है अपन क्या बोलते हैं येलो कलर का ही रखेंगे, और स्ट्रोक का साइज़ जो है वो अपन अराउंड 6 या फिर 7 ही रखेंगे, ठीक है। तो अपन 6 रख लिया, तो अब सिंपली करना क्या है, यहाँ पर अपने को यहाँ पर FX वाले ऑप्शन में जाना है, स्टेलाइज में जाना है और ग्लास वाले ऑप्शन पर जाना है। बट अभी थोड़ा सा ग्लास जो है सही से काम नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा है, वो इसीलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि अपने को यहाँ पर इस वाली लेयर को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इसके पिक्सल सेलेक्ट करने हैं, देन पिक्सल डिसलेक्ट करना है। अब अपने को FX वाले ऑप्शन पर जाकर ग्लास वाला ऑप्शन अपने को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लास की इंटेंसिटी मतलब जो भी आप सेटिंग्स रखना चाहते हो ग्लास वाले ऑप्शन की, आप अपने हिसाब से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन इतना सब हो जाने के बाद फाइनली अपनी जो है यहाँ पर थंबनेल बन के रेडी हो चुकी है, बस एक थोड़ी सी चीज़ करनी है, वो लास्ट में मैं आपको बताऊँगा। देन अब इतना सब हो जाने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, अब यहाँ पर आपको डन कर देना है, ठीक है, डन पे क्लिक कर देना है और अपनी जो है अभी अपने को सेव कर लेनी है इस वाले थंबनेल को, तो डन पे क्लिक कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। देन सेव हो जाने के बाद यहाँ पर आपको शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको अपनी जो है गैलरी में ले लेना है, तो यहाँ पर गैलरी में सेव कर लेते हैं, ओके। देन इसके बाद अपने को अपने लाइट रूम में लेना है इस वाली थंबनेल को और इसको थोड़ा सा मतलब एक हल्का सा टचअप देना है, बस ये लास्ट होगा। अब इसको करना क्या है, सिंपल यहाँ पर प्रीसेट में जाना है और यहाँ पर हाई कॉन्ट्रास्ट एंड डिटेल कर देना और आपकी थंबनेल जो है बन के रेडी हो चुकी है। देन इसको एक्सपोर्ट कर लेना है अपनी गैलरी में और मैं भाई आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से अपनी जो है थंबनेल बनी है। तो भाई कुछ इस तरीके से अपनी थंबनेल बनी है। तो दोस्तों अगर आपको थंबनेल और वीडियो दोनों पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले वीडियो में।